क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट फिजिकल केमिस्ट्री टॉपिक सॉल्यूशन और जिसका पार्ट नंबर 4 है हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले पार्ट नंबर 7 तक हमने कर लिया। हमारा जो टॉपिक चल रहा था अनुसंख्यक गुणधर्म, और अनुसंख्यक गुणधर्म के अंदर हमारा जो पहला टॉपिक था वो था वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन, उसका डेरिवेशन हमने कर लिया था। अब उसके बाद में आता है वाष्प दाब अमन्मन ज्ञात करने की विधियाँ, जिसमें एक विधि है स्थैतिक विधि और दूसरी विधि है गतिक विधि। स्थैतिक विधि का मतलब ये होता है कि इसके अंदर हम किसी भी पदार्थ का या किसी भी सॉल्यूशन का हम वाष्प दाब अमन्मन ज्ञात करते हैं। तो ज्ञात करने के दौरान इसको इधर उधर ही लाया नहीं जाता द्रव पदार्थ को, ना इसके अंदर कोई धारा प्रवाहित की जाती है या वायु प्रवाहित की नहीं की जा सकती, या फिर हम कोई द्रव पदार्थ इसमें नहीं डाल सकते या इसको गर्म नहीं कर सकते। इसको क्या किया जाता है, निर्वात में रखा जाता है। इसलिए इस विधि का नाम क्या पड़ गया, स्थैतिक विधि, जिसके अंदर हम मैनोमीट्री विधि को पढ़ेंगे। दूसरी आती है गतिक विधि, ऐसी विधि जिसके अंदर किसी भी द्रव पदार्थ को डाला जा सकता है, वायु प्रवाहित करवा सकते हैं हम, उसको गर्म किया जा सकता है। तो इसका मतलब वो विधि क्या हो जाएगी, गतिक विधि हो जाएगी, जिसके अंदर हम ओस्टवाल डबाकर की गतिक विधि का अध्ययन करेंगे। हमारी जो पहली विधि आती है वो आती है स्थैतिक विधि या मैनोमीट्री विधि, जिसके अंदर क्या करते हैं, मैनोमीटर को काम में लेते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया मैनोमीट्री विधि, जिसके अंदर S1 S2 टोंटियाँ लगा देंगे और दो बल्ब लगे होते हैं। एक बल्ब के अंदर सॉल्यूशन भर लिया जाता है और A बल्ब जो है उसके अंदर सोल्यूट और B बल्ब के अंदर सॉल्यूशन भर लिया जाता है। हमने वाष्प दाब अमन्मन ज्ञात किया था, तो सॉल्यूशन का वाष्प दाब PS से नोट किया था और सोल्यूट का जो वाष्प दाब है वो PB नोट से ज्ञात किया था। इसके अंदर क्या होता है, हमारे पास जो वाष्प दाब होता है विलय का वाष्प दाब PB नोट वो अधिक होता है, और जब उसमें विलय पदार्थ डाल देते हैं तो उसके बाद में वाष्प दाब में कमी आ जाती है। तब हम वाष्प दाब अमन्मन ज्ञात करते हैं तो हम ऐसे ज्ञात करते हैं PB नोट माइनस PS और PB नोट, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन को शो करता है, डेल्टा P बटा में PB नोट, ऐसे भी हम ज्ञात कर सकते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, इन सॉल्यूशन को या सॉल्यूट को भर करके क्या करा किया जाता है, स्थिर रखा जाता है, मैनोमीटर जोड़ दिया जाता है, और इसके अंदर अवाष्पशील एक पदार्थ होता है बीटा ब्रोमो नेफ्थेलीन, ये भर दिया जाता है और उसके बाद में निर्वात में रखा जाता है। कुछ समय रखने के पश्चात इस सॉल्यूशन या सॉल्यूट में से जो अवाष्पशील पदार्थ होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, अन्य प्रकार की जो गैसें होती हैं वो भी बाहर निकल जाती हैं। उसके बाद में हम क्या करते हैं, S1 और S2 टोंटियों को खोल देते हैं, उसके बाद इनके तलों को पढ़ लेते हैं, और तलों को पढ़ करके इनका जो अंतर है वो ज्ञात करके हम वाष्प दाब में आपेक्षिक अमन्मन ज्ञात कर सकते हैं। ये थी स्थैतिक विधि या मैनोमीट्री विधि, बिल्कुल इजी सा मेथड है। और उसके बाद में मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड गतिक विधि या ओस्टवाल्ड की बाकर गतिक विधि बोल सकते हैं, ओस्टवाल्ड और बाकर ने मिलकर दी थी इसको, और ये विधि बहुत बार पेपर में आई हुई है, तो बहुत ही बढ़िया मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं, एक बड़ा सा टप लेकर के उसके अंदर ग्लास बल्ब लगा लेते हैं, 4 ग्लास बल्ब लेते हैं, 2 ग्लास बल्ब के अंदर सॉल्यूशन भरते हैं जिनका वाष्प दाब PS होता है, और 2 के अंदर जो सॉल्यूट भरते हैं उनका वाष्प दाब होता है PB नोट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, हम यहाँ से एक पाइप लगा देते हैं जिससे प्योर ड्राई एयर बाहर से मिलती रहती है, और उसके बाद इनमें से गुजरने के पश्चात ये एयर फिर फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड की एक यू आकार की नली होती है, इसके अंदर आती है और इस नली को एस्पायरेटर से जोड़ दिया जाता है। ये गतिक विधि इसलिए है क्योंकि इसको हम निर्वात में नहीं रखते, प्योर ड्राई एयर इसके अंदर प्रवाहित करवा रहे हैं। कहने का मतलब गतिक विधि का मतलब ये होता है कि या तो उसको गर्म किया जाए या बाहर से वायु प्रवाहित करवाई जाए। तो हम क्या करते हैं, प्योर ड्राई एयर यहाँ से आएगी, यहाँ से होते हुए इस बल्ब A में आएगी फिर B में आएगी, तो बल्ब A और B के अंदर क्या है, सॉल्यूशन है,
और सॉल्यूशन को वो क्या करेगी, अवशोषित करेगी। अवशोषित करेगी तो इस सॉल्यूशन के बार में क्या आएगी, कमी आएगी, बार में क्या आएगी, कमी आएगी, ठीक है। फिर उसके बाद में बल्ब बी या बी समूचे के जो बल्ब होते हैं उनके अंदर प्रवाहित होगी, उसमें क्या है, विलायक है, तो उसके उसमें भी क्या आएगी, बार में क्या आएगी, कमी आएगी, अवशोषित कर लेगी ये। फिर ये एयर कहाँ आएगी, यू आकार की नली के अंदर आएगी, और उसके अंदर क्या लगा हुआ है, फ्यूज्ड कैल्शियम क्लोराइड भरा हुआ है जो शुष्क है, ये एयर आएगी और ये कैल्शियम क्लोराइड क्या करेगा, उस एयर से संतृप्त हो जाएगा, उसको अवशोषित करेगा, तो इसके बार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बार में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, और ये एस्पिरेटर से जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार हम इन इस मेथड को अपना करके इनके वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखो बल्ब ए और बी समूचे के जो बल्ब होते हैं उन दोनों के बारे में क्या आती है, कमी आती है, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि बल्ब ए के समूचों के बार में कमी किसके समानुपाती हो जाएगी, पीएस के समानुपाती हो जाएगी, क्योंकि सॉल्यूशन के लिए हमने जो वाष्प दाब लिया है वो क्या लिया है, पीएस लिया है। अब अपने कहें बल्ब बी के समूचों के बार में कमी समानुपाती हो जाएगी पी बी नोट पी एस के, ठीक है, क्योंकि ये एयर यहाँ से आ रही है, सॉल्यूशन में आ रही है पहले, फिर सॉल्यूट में जा रही है, जब इसको हमें ज्ञात करना पड़ेगा तो पहले इसको क्या निकालना पड़ेगा, तभी हम बी बल्ब के समूचों के बार में कमी कर सकते हैं। फिर आता है ए प्लस बी के बी बल्ब के समूचियों के बार में कमी ज्ञात करेंगे, तो ये समानुपाती दोनों का टोटल कर देंगे तो पी एस प्लस में पी बी नोट माइनस पी एस, इसको खोलोगे तो पी एस प्लस पी बी नोट माइनस पी एस। अब देखिए पी एस से कैंसिल हो गया, तो ए और बी समूचे के बारे में जो कमी है वो पी बी नोट के समानुपाती हो जाएगी। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये विधि आपने समझ ली, एक बार मैं यहाँ से इस चीज़ को मिटो देती हूँ क्योंकि ये मेथड बड़ा है इसको करने के लिए। अब हमें क्या करना है, वाष्प दाब में अपेक्षी का मन मन ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऐसे लिखें बल्ब बी के समूचियों के भार में कमी, ठीक है, और नीचे लिखें ए प्लस बी के समूचियों के भार में कमी, ठीक है। तो अब देखिए बराबर बी बल्ब के समूचियों के बारे में कमी ये है, तो हम ऐसे लिख देंगे पी बी नोट माइनस पी एस, लिख दिया, और बटा में ए व बी के समूचियों के बारे में कमी, तो ये क्या हो जाएगा, पी बी नोट हो जाएगा। तो हम इस सूत्र के द्वारा क्या कर सकते हैं, वाष्प दाब में अपेक्षिक अमन मन कर सकते हैं। हमने क्या किया, इस एयर को इन चारों बल्ब के अंदर भेजा, एयर क्या कर रहा है, इससे कुछ पदार्थों को अवशोषित कर रहा है, तो ए के समूचियों में और बल्ब बी के समूचियों के बार में क्या आ रही है, कमी आ रही है। ए में कमी आएगी तो ए के लिए पी एस लिया है तो पी एस के समानुपाती आ जाएगा, बी में कमी आएगी तो ये क्या हो जाएगा, इस भाग में से ये भाग माइनस करेंगे तभी ये बचेगा, क्योंकि पहले इस भाग को एयर अवशोषित कर रही है, तो पी बी नोट माइनस पी एस हो जाएगा, दोनों का टोटल करेंगे तो ये पी बी नोट के समानुपाती हो जाएगा। तो बल्ब बी के समुच्चय के बारे में कमी और ए व प्लस बी के समुच्चय के बारे में कमी पी बी नोट के बराबर हो जाएगा। ये तो तब था कि जब हमारे क्या कर रहे हैं, बल्ब ए और बी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ मात्रा एयर को दे रहे हैं, या एयर क्या कर रही है, कुछ ना कुछ मात्रा ले रही है, क्या कर रही है, कुछ ना कुछ मात्रा ले रही है।
अब हम क्या करें, हमारे पास में क्या है, अब उसके बाद में इस एयर को कहाँ भेजा जा रहा है, यू नली में भेजा जा रहा है, फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड की यू नली में भेजा जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से जो एयर आ रही है वो यहाँ आ रही है, ठीक है। यहाँ आने के पास कैल्शियम क्लोराइड क्या कर रहा है, उसको अवशोषित कर रहा है, अवशोषित कर रहा है, तो इसके बारे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, यानी कि कैल्शियम क्लोराइड की नली के बारे में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो अपने ऐसे लिख सकते हैं कि कैल्शियम क्लोराइड की नलियों या कैल्शियम क्लोराइड की नली के भार में वृद्धि, भार में वृद्धि, कैल्शियम क्लोराइड की नली के भार में वृद्धि समानुपाती हो जाएगी। अब देखो जितनी इनके भार में कमी आ रही है उतनी उसमें वृद्धि हो रही है, तो भार में कमी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, दोनों के भार में कमी कितनी आ रही है, इतनी आ रही है, तो भार में वृद्धि भी उतनी हो रही है, तो हम क्या कर देंगे, पी बी नोट के क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो अपना ये सूत्र इस प्रकार बन सकता है कि कैल्शियम, अपने ऐसे लिख सकते हैं, बल्ब बी के समुच्चय के भार में कमी, ठीक है, बटा में क्या कर सकते हैं हम, कैल्शियम क्लोराइड की नली के भार में वृद्धि, नली के भार में वृद्धि, ठीक है। तो समुच्चय के भार में कमी ये आ रही है, तो हम लिख देंगे पी बी नोट माइनस पी एस, और भार में वृद्धि कितनी आ रही है, पी बी नोट, क्योंकि जितनी कमी आ रही है इधर बल्बों में उतनी तो उधर वृद्धि हो रही है, जितनी यहाँ से कुछ पदार्थ अवशोषित करके एयर लेकर जाएगी तो उतनी मात्रा कैल्शियम क्लोराइड वापस अवशोषित कर लेगा। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, बाष्प दाब में मनमन ज्ञात कर सकते हैं, या तो हम ज्ञात कर सकते हैं ए और बी के समुच्चय के भार में कमी को लेकर के बाष्प दाब मनमन ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है, दोनों के भार में कमी ले ली तो बाष्प दाब, या हम कर सकते हैं मतलब बी के समुच्चय के भार में कमी और कैल्शियम क्लोराइड की नली के भार में वृद्धि से हम क्या कर सकते हैं, बाष्प दाब में आपेक्षिक मनमन याद कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया मेथड है, ध्यान से करना। देखो पहले हम क्या करते हैं, चार बल्ब लेते हैं, दो में सॉल्यूशन भरते हैं, दो में सॉल्यूट भरते हैं, एयर को प्रवाहित करवाते हैं यहाँ से, यहाँ यू आकार की नली लेते हैं जिसमें फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड होता है, यहाँ पर जो बल्ब है वो तो क्या कर रहे हैं, एयर को कुछ ना कुछ दे रहे हैं, एयर क्या कर रही है, इनसे कुछ अवशोषित कर रही है, तो इन दोनों के बारे में क्या आ रही है, कमी आ रही है, ए के बारे में कमी पी एस के समानुपाती हो जाएगी, बी बल्ब के बारे में पी बी नोट माइनस पी एस हो जाएगी, और इन दोनों की ज्ञात करेंगे तो पी बी नोट के बराबर हो जाएगी। फिर ये एयर यहाँ आ रही है यूनली में फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड में, तो यहाँ क्या हो रही है, बार में वृद्धि हो रही है, जितनी यहाँ कमी हुई है उतनी बार में यहाँ पर क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। तो या तो मतलब ए और बी के समुच्चय के बारे में कमी से हम बाष्प दाब मनमन ज्ञात कर सकते हैं, या फिर मतलब बी के समुच्चय के बारे में और कैल्शियम क्लोराइड के बारे में वृद्धि के द्वारा हम बाष्प दाब में आपेक्षिक मनमन ज्ञात कर सकते हैं। तो इस प्रकार बाष्प दाब मनमन ज्ञात करने की दो ही विधियाँ थी, दोनों हमने कंप्लीट कर ली, एक विधि थी स्थैतिक विधि, दूसरी थी गतिक विधि। इस प्रकार हमारा टॉपिक आज यहीं कंप्लीट होता है, धन्यवाद।